बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग। टुडे इज संडे, सो आई डिसाइडेड टू मेक सम स्पेशल ब्रेकफास्ट फॉर माय किड्स। आज मैं बनाने लगी हूँ बोंग, बड़े गोश्त की जो बोंग होती है वो। उसके लिए मैंने जो गोश्त लिया है उसकी क्वांटिटी है 3 किलो। ये मछली का गोश्त होता है, ये देखें इस तरह का। साथ इसमें हड्डियां होती हैं 2-3 बड़ी बड़ी। प्याज है मेरे पास, लहसुन अदरक और लाल मिर्च का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5 और टमाटर हैं 1 पाव। प्याज भी मैंने 1 पाव ही लिए हैं और टमाटर भी 1 पाव लिए हैं। ये लहसुन अदरक और लाल मिर्च का पेस्ट बनाना बहुत ही आसान होता है। ये मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है पहले, वो आप देख लीजिएगा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। जैसे ये लाइट ब्राउन होंगे इसमें मैं टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। बोंग 2-3 तरीक़ों से बनाई जाती है। इस तरह बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी इस तरह बन जाती है। अब मैंने इसमें ये पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ ही देर में मैं इसमें टमाटर और सब्ज मिर्च शामिल करने वाली हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर, हल्दी, 2 बड़ी इलायचियाँ और नमक। नमक आप थोड़ा कम ही रखा करें, क्योंकि अगर नमक कम हो तो हम और शामिल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा डाल लें शुरू में ही तो उसका कोई सलूशन नहीं है, फिर वो फिर कम नहीं हो सकता। गरम मसाला पाउडर वही है जो हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चले गए सारे मसाले। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बोंग बीफ की, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसे मैं करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स और 5-6 मिनट तक इसे मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से, इसकी भुनाई कर लूँगी, फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं ना, इनके अंदर से बोन मैरो निकलती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है बोन मैरो। अब मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी हमने इतना शामिल करना है कि जो हमारा गोश्त है ये इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तकरीबन मैंने 2 किलो पानी शामिल किया है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और शामिल करूँगी ताकि ये जो छोटे छोटे पीस नज़र आ रहे हैं ना गोश्त के, ये ना नज़र आए। और इसको फिर मैं वेट लगा दूंगी 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद फिर हम देखेंगे। ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी फिर हमने टाइम नोट करना है 40 मिनट्स का। सालन हमारा रेडी हो गया है, ढक्कन मैंने उतार दिया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ।
अगर आपका दिल करे तो आप इसमें सब्ज धनिया जो है वो शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सालन बन गया माशाल्लाह। दो तीन मिनट इसी तरह पकाने के बाद मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। माशाल्लाह सालन हमारा रेडी हो गया, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें, बहुत ही जूसी बना है ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी है। आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स कुकिंग, अल्लाह हाफिज़।